लेडी के कान पे लगे हैं कीड़े, हमारा चिमटी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से रेड वाले कीड़े को रिमूव कर रहा है धीरे धीरे। और ये वाला रेड कीड़ा ये भी निकला बहुत ही औसम तरीके से। और ये लास्ट वाला रेड वाला कीड़ा है ये भी निकल चुका है बहुत ही सेफ और औसम तरीके से, रिमूव हो चुके हैं पूरे के पूरे। और छोटे छोटे होल वाले कीड़े भी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हमारे चाकू ने रिमूव किया। रेड वाले घिनौने टाइप के कीड़े हमारा क्रोमो वाला चाकू निकाल चुका है पूरी तरह काट के। सिकंचा वाला चाकू मैगोट्स वाले कीड़े को पूरी तरह रिमूव कर चुका है। हमारा बड़ा वाला चाकू आया जो कि बहुत ही सेफ तरीके से ट्राइफोफोबिया को रिमूव किया। और देखिए ब्लैक वाला ट्राइफोफोबिया ये भी निकल चुका है आसानी से। और देखिए चीटी वाले घवत कीड़े थे पूरे के पूरे निकल चुके हैं। बड़ा वाला चाकू ब्लैक वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है आसानी से। रेतीला वाला चाकू मैंगोट्स वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है आसानी से। हमारा गोल्डन वाला चाकू जो कि रेड वाले कीड़े को रिमूव किया आसानी से। सिल्वर वाला चाकू हमारा ट्रीटमेंट करेगा इसके पूरे ही ईयर को। ईयर पे लगे हुए कीड़े को रिमूव कर चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग दवा लगाएंगे, क्रीम का दवा है तो क्रीम का दवा लग चुका है इसके पूरे ही कान के हिस्सों में। आगे हमारा ट्रीटमेंट करने वाला टाइमर, अभी टाइमर चलने के बाद देखते हैं क्या फाइनल रिजल्ट हमारा निकलता है। तो फाइनल आप लोग देख सकते हो कान का ट्रीटमेंट इन्वेशन हो चुका है कि कान पे लगे हैं कीड़े। और देखिए हमारा चिमटी रेड वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे आज। तो देखिए धीरे धीरे रेड वाले कीड़े को ये निकाल के रिमूव कर दिया पूरा का पूरा और हमारे चिमटी का काम खत्म। आ गया हमारा सिकंजा वाला चाकू। और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और हमारा क्रोमा वाला चाकू ब्लैक वाले कीड़े घिनौने टाइप के रिमूव कर चुका है। इसके पूरे ही कान पे लगे हैं कीड़े, हम लोग आज इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ब्लैक वाला कीड़ा हमारा रेतीला वाला चाकू से खत्म हो गया।
और ये बहुत ही ज़्यादा बदबूदार कीड़ा था जो कि अभी निकल चुका है। तो देखिए होल वाले भी वायरस रिमूव हो चुके हैं आसानी से। हमारा बड़ा वाला चाकू बड़े वाले होल वाले कीड़े को निकाल चुका है। और ये मैंगोट्स वाले कीड़े भी बेहद ही सेफ तरीके से रिमूव हुए। और ये छोटे छोटे होल वाले ट्राइफोफोबिया ये भी कट के निकल चुके हैं। और ये घिनौने टाइप के रेड वाले कीड़े भी रिमूव हुए पूरी तरह। चीटी वाले वायरस भी नीचे गिर चुके हैं। आ गया बड़ा वाला चाकू। और देखिए हमारा पत्थर वाला बड़ा वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से बड़े वाले कीड़े को रिमूव किया। आ गया हमारा क्रीम वाला दवाई इसके पूरे ही कान में लगे हुए कीड़े पे लग चुका है आसानी से। आ गया हमारा कॉटन बोर्ड रुई जो कि हमारा टाइमर भी चलने लगा है बहुत ही सेफ तरीके से। और देख सकते हो खतरनाक कीड़े। और हमारा ट्रीटमेंट करने वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से निकाला कीड़े को। और हमारा छोटा वाला चाकू था जो कि ब्लैक वाले कीड़े को एक ही बार में निकाला। हैंड वाला चाकू काफी रफ्तार से कीड़े को निकाल दिया। और हमारा क्रोम वाला चाकू भी देखिए डीप क्लीन के साथ। और देखिए रेड वाले कीड़े भी काफ़ी सेफ तरीके से निकल चुके हैं। और हमारा गोल्डन वाला चाकू था जो कि होल वाले कीड़े को निकाला। और ये भी ट्राइफोबिया वाले होली वाले ही कीड़े थे निकल चुके हैं। और ये ट्राइफोबिया वाला जबरदस्त कीड़ा था रिमूव हो चुका है। और ये छोटे छोटे घिनौने टाइप के कीड़े थे निकल चुके हैं। केचुए वाले कीड़े को हम काटेंगे। पतला वाला चाकू काफी रफ्तार से केचुए वाले कीड़े को निकाल चुका है। इसके कान पे लगे हुए कीड़े को सबको रिमूव करेंगे। कान के अंदर लग गए थे बड़े वाले कीड़े निकल चुके हैं। अभी चींटियों को हम लोग हटाएंगे।
और हमारा सिल्वर वाला चाकू जो कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से ट्रीटमेंट किया, हम लोग दवा लगा देते हैं। इसके पूरे ही क्रीम का दवा लग चुका है इसके कान के ऊपर। आगे हमारा कोटमुल रुई जो कि टाइमर भी चलने लगा है। टाइमर चलने के बाद देखते हैं डीप क्लीन हुआ है। ईपीएस पे लगे हैं कीड़े। आज हम पूरा का पूरा डीप क्लीन करेंगे इसके पूरे ही फेस का ट्रीटमेंट करके। तो देखिए हमारा हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और देखिए और तेल वाला चाकू भी बहुत ही सेफ तरीके से काट के रिमूव किया कीड़े को। और ये भी ट्राइपोफोबिया वाला कीड़ा बहुत ही सेफ तरीके से कट के निकल चुका है पूरी तरह। और देखिए होल वाले ट्राइपोफोबिया को हम लोगों ने बहुत ही औसम तरीके से निकाल दिया है। अभी देखिए हमारा सिकंजा वाला चाकू भी देखिए बहुत ही बुरी तरह कीड़े को निकाला। अभी हैंड वाला चाकू देखिए हमारे फंगल को काट के निकाल चुका है पूरी तरह। और ये देखिए छोटे छोटे मैंगोस वाले कीड़े थे जो ये भी रिमूव हो चुके हैं। और हमारा रेतीला वाला चाकू टाइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाल दिया है। और ये भी होल वाले टाइफोफोबिया हैं जो ये भी सेफ तरीके से कट चुके हैं। और ये कुछ किनोरे टाइप के ट्राइफोफोबिया थे। और देखिए हमारा बड़ा वाला चाकू बड़े वाले ट्राइफोफोबिया को काट के रिमूव किया। आगे गोल्डन वाला चाकू। और देखिए चेहरे पर के पूरे पर के कीड़े निकल चुके हैं। हर लोग अब दवा लगाएंगे इसके पूरे ही चेहरे पे और इसके पूरे हेड पे भी हो गए हैं कीड़े। और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे रुई के आने के बाद। तो देखिए हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो गया है 3 2 1। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो ही हेड पे लगे हैं कीड़े। और देखिए हमारा हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से इसके फेस वाले कीड़े को निकाला। और ये ब्लैक वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा गोल्डन वाला का चाकू। तो देखिए बड़े वाले फंगल को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये भी बड़ा वाला फंगल था जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के गिर चुका है। और ये ट्राइफोफोबिया वाला कीड़ा था बेहद ही खतरनाक जो कि वो भी रिमूव हुआ। और ये भी बेहद ही घिनौने टाइप का था ट्राइपोफोबिया वाला कीड़ा, ये भी गिर चुका है।
और ये देखिए जख्मों वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और ये काफी डेंजरस वाला कीड़ा था जो कि ये भी निकल के गिर चुका है। और ये बड़ा वाला ट्राइफोबिया था जो कि इसके फेस पे लगा हुआ था, उसको भी रिमूव कर दिया हम लोगों ने। और देखिए इसके फेस पे बहुत ही ज्यादा कीड़े लग गए हैं, हम लोगों सबको डीप क्लीन करना है। कि हमारा पतला वाला चाकू बहुत ही औसम तरीके से काट के रिमूव कर दिया पूरी तरह। तो देखिए हमारा बेलचा वाला कटर भी सेम तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और देखिए ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी गिर चुके हैं। आ गया बड़ा वाला चाकू। और ये चींटी के घवद वाले कीड़े को एक ही बार में निकाल दिया। आ गया हमारा दवा। तो देखिए इसके पूरे हेड पे लगा देते हैं दवा। तो देखिए पूरे हेड पे लग चुका है दवा बहुत ही सेफ तरीके से। आ गया हमारा कॉटन वूल रुई, जो कि हम लोग अब टाइमर चला देते हैं। टाइमर चलाने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। तो फिर लग गए हैं कीड़े। तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट किया कुछ कीड़े को। और ये लीची लीची वाले कीड़े हैं जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही सेफ और ऑसम तरीके से। और देखिए हम लोग फेस का डीप क्लीन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे आज। तो देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा शानदार वाला चाकू काट के निकाल दिया वायरस को। और ये देखिए घिनौने टाइप का कीड़ा था जो कि ये भी कट कर रिमूव हो चुका है। और ये मैंगोस वाला कीड़ा भी कट कर रिमूव हो चुका है बहुत ही सेफ तरीके से। और ये देखिए दानेदार वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और ये ट्राइपोपोबिया वाला कीड़ा भी रिमूव हो चुका है बहुत ही औसम तरीके से। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू। जो कि देखिए घिनौने टाइप के कीड़े को एक ही बार में एक ही झटके में निकाल दिया पूरा का पूरा। और ये कुछ रेड वाले घिनौने टाइप के कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और ये छोटे छोटे फंगल हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं निकल चुके हैं पूरे के पूरे। और ये राउंड वाले ट्राइपोफोबिया थे जो कि भी रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए इसका आधा फेस साफ हो चुका है, अभी आधा फेस बचा है।
तो फाइनली हमारा आधा फेस ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम लोग स्प्रे से दवा डालेंगे। तो देखिए इसके माउथ पे हम लोग दवा डाल रहे हैं। तो देखिए हमारा स्प्रे बहुत ही सेफ तरीके से दवा डाल दिया है इसके माउथ पे। हमारा कॉटन बोल रूई आ गया। हम लोग टाइमर चला देते हैं। टाइमर चलाने के बाद देखते हैं इसके माउथ का ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं सही तरीके।